जो असुरता की वृत्ति होती है ना, उसका एक लक्षण होता है। लक्षण ये है कि भले सब मर जाएं, मैं जिंदा रहूं। अगर आप ऐसा सोचते हो मन में कि भले सब मर जाएं पर मैं जिंदा रहना चाहिए, खुद को बचा लूं पहले भाड़ी भाड़ में जाए सब, तो आप में कहीं ना कहीं असुर वृत्ति जी रही है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई भले मेरी जान ले ले पर किसी दूसरे के प्रति आप में करुणा है कि उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा अपनों के लिए आप में भाव होता है, कम से कम सनातन धर्मियों के कुछ वैष्णव परिवारों में तो है ही, कि एक माँ से पूछो कि तेरा बेटा मरने वाला है, तो वो तुरंत कहेगी मुझे मार दो पर उसे छोड़ दो। सेकंड का आधा हिस्सा भी सोचने में नहीं लगाएगी कि अपनी जान दूं कि नहीं दूं। सेकंड भी नहीं सोचेगी कि मैं किस ओर जाऊं, स्पष्ट कहेगी उसे छोड़ दो, मुझे मार दो। संबंध में जिससे भी हम प्यार करते हैं, वो चाहे बहन भाई का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, संतान का, माता पिता का संबंध हो, जहां प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, वहां एक ही शब्द निकलता है, मुझे मार दो भले, पर मेरे प्रेमास्पद को मत मारो। अपनी आंखों के सामने उसकी उसकी मृत्यु नहीं देख सकता मैं। ये क्या है? ये सतोगुणी वृत्ति है। और ये सतोगुणी वृत्ति जब और प्रबल हो जाती है, और प्रबल हो जाती है, तो फिर अपने प्रेमास्पद से इसकी दृष्टि और बड़ी हो जाती है, फिर ये समाज के लिए सोचने लगता है, फिर ये और लोगों के लिए सोचने लगता है कि अगर मेरे अकेले के जाने से पूरा गांव सुखी होगा, ठीक है, मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। आप सोच कर देखो, आपसे कोई आके बोले कि आपकी एक की जान के बदले में आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा, आप क्या करोगे? आप खुद को बहुत प्यार करते हो, फिर भी कहोगे कि अगर मेरा घर सुरक्षित होता हो तो मुझे ले लो। ये सतोगुणी वृत्ति है। जब कोई फौजी सरहद पर खड़ा होता है, सीमा पर खड़ा होता है, वो भी अपने आप को बहुत प्यार करता है, अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, अपनी नवविवाहिता पत्नी को बहुत प्यार करता है, अपने गांव को बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी सीमा पर खड़े होकर दुश्मन की गोली छाती पर आ रही हो तो वो कहेगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने आप को, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने परिवार को, लेकिन देश की रक्षा के लिए अगर मेरी छाती से गोली गुजरना जरूरी है तो ठीक है, मैं छाती पर गोली खाने को तैयार हूँ। आसुरी वृत्ति क्या है? कोई तो आपके लिए मर रहा है और आपके हृदय में उसके लिए हमदर्दी भी नहीं है। आपकी माँ जिंदगी भर आपके लिए मर गई, पर आपने कभी उससे प्रेम से ये भी नहीं कहा कि माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं।
कोई सैनिक आपकी देश की रक्षा के लिए मर गया और आपने एक दिया जलाकर इतना भी याद नहीं किया कि आज मेरे देश का एक जवान शहीद हो गया। आज पूरा देश बाल दिवस मना रहा है, पर जानते हैं दुनिया का और विशेष रूप से भारत में पूर्ण बाल दिवस वो नहीं है जहां इस देश के चाचा का जन्मदिन है। पूर्ण बाल दिवस वो दिन है जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, जिनकी अभी रेख भी नहीं आई थी, जिन्होंने अभी 18 वर्ष की उम्र भी पार नहीं करी थी, जिन्होंने अभी ठीक से किशोरावस्था भी नहीं देखी थी, उनको एक क्रूर बादशाह ने सिर्फ इसलिए दीवाल में चिनवा दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, क्यों कबूल करवाया जा रहा था उनसे? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के अगर इन लाड़लों ने, गुरुओं के इन वंशजों ने अगर अपना धर्म छोड़ दिया तो करोड़ों लोग अपना धर्म छोड़ देंगे। और उन्होंने उस छोटी सी उम्र में कहा कि तुम हमें चाहे जितनी भी बुरी दर्दनाक मृत्यु दो, पर हम अपने धर्म के साथ मरेंगे, हम अपने धर्म के साथ ही जिएंगे। उन बालकों को याद करके बाल दिवस मनाना चाहिए कि ऐसे भी बालक इस भारत भूमि पर हुए जो दीवार में चुन गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति को नहीं छोड़ा। दो भैया थे, बड़े की आंख में थोड़े से आंसू आ गए तो छोटे ने पूछा, भैया आप रो रहे हैं? तो बड़े ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हमें दीवाल में चुनवाया जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे होते हुए बड़ा भाई अभी जिंदा है, छोटे के सिर पर दीवाल पहले आ गई है, मुझसे पहले तू जा रहा है, इस बात के लिए रो रहा हूं कि मुझसे पहले तू जा रहा है, तेरे से पहले मैं क्यों नहीं गया। उनके लिए बाल दिवस होना चाहिए, बालकों को उनकी याद दिलानी चाहिए कि ऐसे वीर बालक हुए। आज के बालकों को वो कहानी सुनाई जानी चाहिए कि कैसे होते हैं बच्चे। आज भी उन चारों को, गुरु गोविंद सिंह के उन चारों लाड़लों को संसार भूल नहीं पाएगा। ऐसे होते हैं बच्चे जो धर्म के लिए अपने पिता का सिर ऊंचा करके मर जाते हैं पर सिर झुकने नहीं देते हैं। ऐसे होते हैं बच्चे और तब होता है भारत का असली बाल दिवस।